बीजेपी को किसी भी कीमत पर हमें सत्ता में आने से रोकना है, तो जाट समाज के लोगों ने सोचा कि यदि हम विभिन्न गठबंधन को अपना वोट बांट देंगे तो बीजेपी फिर सत्ता में आ जाएगी। इसलिए जाट समाज के लोगों ने बीजेपी को सत्ता में आने से रोकने के लिए उन्होंने अपना एक तरफा वोट कांग्रेस पार्टी को दे दिया, जिससे हमारी पार्टी को ये नुकसान हुआ है। क्योंकि हरियाणा में मैंने बताया कि अभी वहाँ पर जो जाट समाज के लोग हैं, उत्तर प्रदेश की तरह, उत्तर प्रदेश में तो जाट समाज की जातिवादी मानसिकता जो दलितों के प्रति काफ़ी हद तक बदली है हमने, लेकिन अभी हरियाणा में जो जाट समाज है उनकी जातिवादी मानसिकता अभी तक बदली नहीं है। तो एक तो ये कारण रहा है कि उन्होंने वोट लिया, दूसरा ये रहा कि वहाँ का जो जाट समाज है ये सोचता रहा कि बीजेपी को किसी भी कीमत पर हमें सत्ता में आने से रोकना है, तो जाट समाज के लोगों ने सोचा कि यदि हम विभिन्न गठबंधन को अपना वोट बांट देंगे तो बीजेपी फिर सत्ता में आ जाएगी। इसलिए जाट समाज के लोगों ने बीजेपी को सत्ता में आने से रोकने के लिए उन्होंने अपना एक तरफा वोट कांग्रेस पार्टी को दे दिया, जिससे हमारी पार्टी को ये नुकसान हुआ है। ठीक है, आप पूरे दलित समाज की बात करो ना, लेकिन अब नहीं आएंगे, लेकिन उनको क्योंकि समय बहुत कम था, उस समय लोकसभा चुनाव डिक्लेयर हो गया था, इन्होंने ऐसी नौटंकी की, नाटकबाजी की कि हमारे लोग गुमराह हो गए, अब नहीं होंगे। वो जब माननीय सुप्रीम कोर्ट का जब जजमेंट आया SC ST आरक्षण में वर्गीकरण और क्रिमिलियर आदि को लेकर, तो जो पूरे देश में जो SC ST वर्गों के लोग हैं उनकी आंखें खुल गई, जो ये संविधान बचाने, आरक्षण बचाने की बात करते, तो इस मामले में सारी पार्टियां, बीजेपी एंड कंपनी के लोग, कांग्रेस पार्टी एंड कंपनी के लोग, सारी की सारी पार्टियों ने कुछ भी इसके ऊपर सही जवाब नहीं दिया, बस आरक्षण की बातों करते रहे, हम ध्यान रखेंगे। लेकिन माननीय सुप्रीम कोर्ट में जब ये मामला आया तो सेंटर की ओर से जो सरकारी वकील होते हैं कांग्रेस के भी, तो सबने माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो जजमेंट दिया उनकी हाँ में हाँ मिलाया है। तो इसलिए मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ, और इतना ही नहीं, कांग्रेस के श्री राहुल गांधी ने तो विदेश में जाकर कह दिया कि वक्त आने पर हम इन वर्गों का पूरा आरक्षण खत्म कर देंगे। तो इसका असर पड़ा है पूरे देश में, और मुझे ऐसा लगता है कि जो इन्होंने लोकसभा चुनाव में फायदा उठाया, अब दोबारा से इस मुद्दे के ऊपर अब इनको फायदा मिलने वाला नहीं है, नहीं तो फिर हरियाणा में क्यों नहीं उठा लिया इन्होंने। ठीक है सर, अच्छा भाई, यूपी में जो 10 सीटों पर विधानसभा के बाय इलेक्शन हो रहे, हमारी पार्टी 10 ही सीटों पर अकेले अपने बलबूते पर ये चुनाव लड़ेगी।